चौपाल पर जज साहब ने लोगों की समस्याएं सुनी और कुछ का मौके पर ही निराकरण करवाया। चौपाल पर लोगों को विधिक सहायता के अलावा विभिन्न विषयों पर जानकारी भी दी गई। खटीमा के टेढ़ाघाट मेघा मार्केट में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से एक चौपाल लगाई गई, जिसमें उधम सिंह नगर के सीनियर डिविजन जज सचिन कुमार पाठक ने शिरकत की। उन्होंने वहां लोगों को बच्चों के अधिकार के बारे में बताया और उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही लोगों को कानूनी मदद कैसे मिले यह भी बताया। उन्होंने लोगों को बाल अधिकार तथा पास्को एक्ट, मानव तस्करी, बाल श्रम जैसे विषयों पर कानूनी जानकारी दी। बच्चों में जो हिंसक प्रवृत्ति, मारपीट, इस टाइप के जो छोटे छोटे, देखिए पेशेंस रखना, कैसे आपको होल्ड करना है, किसी भी परिस्थिति में सुसाइड ना करना या किसी भी ऐसे इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना, इत्यादि बहुत सारी बातें हमारी टीम और मेरे द्वारा बताई गई हैं बच्चों को और उनके परिजनों को। उनके द्वारा अप्रिशिएट भी किया गया कि हाँ कुछ समस्याएं हमारी हैं, महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं थी, ये सारी चीजें हम अपने इस कैंप में हम लेकर आए थे। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा आयोजन चौपाल में लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया, उसमें से कई लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल कार्रवाई की गई। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने सभी के प्रति आभार जताया। पब्लिक को समझाया है कि बच्चों के लिए खासकर देखरेख रखिए और बच्चे को आवारा ना छोड़िए, लावारस बच्चे घूमते रहते हैं, आए दिन तक उनका अपहरण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। उन संबंध में बताए हैं कि बच्चे के गार्जियनों को, माँ बाप को, ताकि बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखें, आवारा तरह से ना छोड़े। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।